हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने बालों की मेंटेनेंस कैसे करता हूँ, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट सिल्की रहते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। मेंटेनेंस उनकी कैसे होती है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और बताना कि वीडियो कैसी लगी थी। नॉर्मली पीपल यूज़ करते हैं शैम्पू या कंडीशनर अपने बालों की मेंटेनेंस के लिए, उनकी क्लीनिंग के लिए, बट ये टोटली नेचुरल चीज़ है जिसे हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ये हमारे बालों की ग्रोथ बहुत सही रखती है और उन्हें बहुत सॉफ्ट और सिल्की रखती है। और आसपास की दुकानों पे भी ये आराम से मिल जाएगा, तो चलो वो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। और मैंने खुद यूज़ कर चुका हूँ और इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो स्टॉक में हमारे हमेशा रहता है ये मुल्तानी मिट्टी। और आपको एक बड़ी सी बाउल लेनी है, उसमें पानी डालना है और अपने हिसाब से जितना हो उतना ले लेना। मेरे हिसाब से तो ये लग जाएगा, तो ये मैं डाल लूँगा और बाकी आप अपने हिसाब से ले लेना। डाल दिया मैंने, अब देखते हैं पानी कम ज़्यादा हो तो और डालना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसको फेस पे लगाओ, ये फेस पे लगाने के लिए भी काम आता है, जब आप फेस पे लगाओ तो तब पानी कम लेना है, बट बालों का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसलिए बालों को जब लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर होना चाहिए, तो क्वान्टिटी पानी की ज़्यादा होनी चाहिए। और हाँ, जब आप बालों में लगाओ तो आपके बाल पूरे गीले होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, एकदम जैसे पानी गिरता हुआ होना चाहिए, तभी वो आपके बालों में प्रॉपर लगेगा, वरना ड्राई हेयर्स में ये नहीं लग पाता अच्छे तरीके से और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये अभी घुल रहा है, अभी देखते हैं, इसमें और पानी डालना पड़ेगा तो और डालेंगे। तो इसको अब लगेंगे 15 से 20 मिनट पूरा होने में, और अगर पानी कम पड़ जाए तो आप बाद में भी इक्वलाइज कर सकते हो। अब ये पेस्ट की फॉर्म में हो चुका है, बाकी हमने इसको मैश कर दिया है। अब इसके बाद इसको बाल गीले करके उसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे। ये हमने लगा लिया है, अब सूख भी चुका है थोड़ा, कुछ देर बाद हम इसे वॉश कर लेंगे, 1 से 1.5 घंटे बाद जब ये पूरा सूख जाएगा। और जो थोड़ा सा बच भी गया था तो उसको हमने प्रिजर्व कर लिया, उसे हम शाम को या कल फेस पे लगा लेंगे, क्योंकि उस फेस के लिए भी ये अच्छा रहता है, ठंडक कूलिंग देता है हमारे बॉडी को, फेस को और बालों को, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें यार, अगर आप लगा रहे हो तो कपड़े आपने वो जो गंदे हों वो पहन लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये लगने के बाद थोड़ा सा गिरता है, तो कपड़े गंदे अगर गंदे वाले हों तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से ये सजेशन है कि आप गंदे कपड़े यूज़ करें, जो गिरे तो आपको फ़र्क ना पड़े, वो डायरेक्ट आप वॉश के लिए डाल सकते हैं। वॉश कर लिए हमने बाल, अब आप देख सकते हो एकदम सॉफ्टनेस और एकदम सिल्कीनेस है पूरी पूरी, और मतलब कि बिल्कुल ही आपके बालों की जितने अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो स्कैल्प पे चिपकी होती हैं, वो सारी हट जाती हैं। और जितनी भी आपके, जैसे बहुत लोगों को स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से बाल बहुत ऑयली ऑयली टाइप के हो जाते हैं चिपचिपे, उसमें भी ये हेल्प करता है, एकदम सिल्कीनेस सॉफ्ट एकदम रुई की तरह कर देता है। इसको आप वीक में एक भी दिन कभी भी लगा सकते हो, और इसको आप मंथली आप अगर करते जाओगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, हेयर की ग्रोथ बहुत सही हो जाती है और मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होती है, तो आप इसको ट्राई करना। मैं तो ट्राई करा था, मुझे अपने रिजल्ट मिले, बाकी आप बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके।